हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल एक बार फिर, और आज हम लोग इस वक्त अब जब वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी HFCL ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, और आज इसके नंबर्स पोस्ट हुए हैं। नंबर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, साथ ही मैं आपको टेक्निकल लेवल्स भी बताऊंगा काउंटर के, कि काउंटर में आगे कैसी चाल रहेगी। डेट कंपनी के ऊपर जो है वो लगभग 237 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्ज है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कंपनी ने सितंबर में किस तरह के नंबर्स पोस्ट किए। सब्जेक्ट है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ठीक है, और इसमें कुछ जो हाईलाइट्स है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2018, रेवेन्यू अप बाय 97.64%, यानी कि जो सेल्स है, जो टॉप लाइन है, वो दुगनी हो चुकी है। लास्ट सितंबर क्वार्टर की अगर बात करेंगे FY17 के मुकाबले FY18 में, FY18 में जो इनकी नेट सेल्स रही है, जो रिवेन्यू रहा है, वो रहा है 1137 करोड़ का, एज़ कम्पेयर टू दी 575.5 करोड़ इन द Q2 FY17 में। EBITDA एंड PBT की बात करते हैं, जो कि इंक्रीज हुआ है 82.72 करोड़ एंड 61.08 करोड़ एज़ कम्पेयर टू 60.89 करोड़ एंड द 40.46 करोड़ रिस्पेक्टिवली इन द Q2 ऑफ द FY17, ठीक है। तो Q2 FY17 में EBITDA कितना था, 60 करोड़ रुपीज़ 89 लाख का था, और अब 2018 में जो है वो EBITDA हो गया 82 करोड़ 72 लाख का। शानदार ग्रोथ दिखाई है क्वार्टरली नंबर्स में ईयर ऑन ईयर ग्राउंड पे। और अगर PBT की बात करते हैं तो 40.46 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पहुंच चुका है। सो रिजल्ट्स बहुत शानदार कंपनी ने पोस्ट किए, सेल्स दुगनी हो गई है, प्रॉफिट्स भी कंपनी के लगभग 20 करोड़ के आसपास का मुनाफा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो EBITDA मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है जरूर 7.27% का, एज कम्पेयर टू दी 10.58% इन द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2017, ड्यू टू दी फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशन। क्योंकि आप सभी को पता दी कि जो रुपी का है वो डेप्रिसिएशन हो रहा है, और यही चीज़ें हैं, यही कारण है जो कि जो EBITDA मार्जिन हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए हैं। PBT मार्जिन है डिक्लाइन 5.37% एज कम्पेयर टू दी 7.03% इन द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2017, ड्यू टू दी फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशन। ओके, हाफ ईयरली की बात करते हैं 30 सितंबर 2018 में, तो हाफ ईयरली रिवेन्यूज इज अप बाई 52.2%, यानी कि 52% जो हाफ ईयरली सितंबर छमाही है उसमें 52% का रिवेन्यू बढ़ गया है कंपनी का सितंबर 2018 में, और बढ़ के हो गया 2169.71 करोड़ एज कम्पेयर टू 1425.6 करोड़ इन द हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2017। हाफ ईयरली EBITDA PBT इंक्रीज 171.85 करोड़ एंड रुपीज़ 131.22 करोड़ एज कम्पेयर टू दी 120.85 करोड़ एंड द 80.60 करोड़ रिस्पेक्टिवली इन द हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2017। मतलब जो EBITDA है वो 120 करोड़ का था, 120.85 करोड़ का था लास्ट ईयर 2017 की छमाई में, जो कि इस बार 171.85 करोड़ का पहुंच गया, यानी कि लगभग 51 से लेकर 52 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मुनाफा इंक्रीज हुआ है। साथ ही अगर आप PBT की बात करते हैं तो 80.6 करोड़ से बढ़कर PBT इनका 131 करोड़, यानी लगभग 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। शानदार कंपनी के नंबर्स हैं जो पोस्ट किए हैं। हाफ ईयरली EBITDA मार्जिन है स्लाइटली डिक्लाइन 7.92% एज कम्पेयर टू 8.48 इन द हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2017, ड्यू टू दी फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशंस की वजह से ये गिरा है केवल, और कोई रीज़न नहीं है। PBT मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड टू 6.05% एज कम्पेयर टू दी 5.65% इन द हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2017। हाफ ईयरली पैट अप, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है अगर हम उसकी बात करते हैं हाफ ईयरली की सितंबर छमाई की, तो वो 65% इंक्रीज हुए हैं टू 84.12 करोड़ एज कम्पेयर टू 50.81 करोड़ इन द हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2017 में। तो ये आप देखेंगे कि जो नंबर्स हैं वो बहुत शानदार नंबर्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने, और ये एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे आप नंबर्स को देखेंगे, चाहे वो मार्च फाइनेंशियल्स के नंबर हो, चाहे जून क्वार्टर के, और अब चाहे सितंबर क्वार्टर्स के नंबर, तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, अपसाइड अपर डायरेक्शन में ही कंपनी के इंप्रूव्ड जो रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव्ड हो रहे हैं लगातार। अब लॉन्ग टर्म बिजनेस आएगा तो कंपनीज Q1 एंड Q2 आर द सीजनली लो क्वार्टर विद द हायर एग्जीक्यूशन टेकिंग प्लेस इन द सेकेंड हाफ, ठीक है। कहते हैं टर्म्स ऑफ बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो Q1 और Q2 जो होते हैं सीजनली लो रहते हैं, लो क्वार्टर्स रहते हैं, विद द हायर एग्जीक्यूशन टेकिंग प्लेस इन द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में इनका जो एग्जीक्यूशन ज़्यादा रहता है।
अब अगर इनकी ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो रोबस्ट ऑर्डर बुक मोर देन 10,200 करोड़, यानी कि 10,200 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है एट प्रेजेंट, इंक्लूडिंग एडवांस परचेज ऑर्डर रुपीज 3,190 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली एज ऑन 30th September 2018। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ऑर्डर बुक कितनी रोबस्ट है, 10,200 करोड़ की इस कंपनी की ऑर्डर बुक है, और जबकि स्टॉक का प्राइस कितना है 21 रुपीज़ के नियर बाई। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सपेंशन प्रोग्राम द एनुअल कैपेसिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग विल इंक्रीज बाय द अप्रैल 2019 फ्रॉम 8.4 मिलियन FKM टू 15 मिलियन FKM ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, यानी कि दुगनी ऑलमोस्ट हो जाएगी, लगभग 90% के आसपास इनकी जो कैपेसिटी है स्टैंड अलोन बेसिस पर वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा फ्रॉम 12 मिलियन FKM टू 22 मिलियन FKM ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस इंक्लूडिंग द कैपेसिटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो आप समझ सकते हैं कंपनी की जो परफॉर्मेंस है फ्यूचर में और बेहतर होती जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट विद द एनुअल कैपेसिटी ऑफ द 6.4 मिलियन FKM इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाई द May 19, यानी कि जो उनका न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है वो ऑपरेशनल हो जाएगा बाई 2019 मई तक। This backward integration will enhance the overall operating margins of the optical fiber cable manufacturing. काउंटर अगर आपको ख़रीदना है आप खरीद सकते हैं, बहुत बेहतर मौका है इस काउंटर को ख़रीदने का, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का आगे बहुत बड़ा मार्केट है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो अगर आप लोग फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, अगर आप फ्यूचर को देख सकते हैं समझ सकते हैं, सो दोस्तों ये काउंटर बहुत बढ़िया है, आपको छोटी वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है, बट इसके आने वाली जो 5 साल की वैल्यूएशंस हैं वो मैं बहुत, अगर मैं बहुत कम से कम कंजर्वेटिव मोड में बात करता हूं तो लगभग 150 रुपीज़ के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा होगा अगले 5 साल में, यानी यहां से 20 रुपीज़ से लेके 150 आप समझ सकते हैं लगभग 700% का राइज एक्सपेक्टेड है अगले 5 सालों में इस काउंटर के अंदर। ओके, उसके अलावा फोकस्ड ऑन द डिलीवरी नॉन डायल्यूटिव ग्रोथ विद द शार्प फोकस ऑन द इम्प्रूविंग रिटर्न ऑन इक्विटी एंड द फ्रेश कैश फ्लो। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कंपनी ने फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ₹3.25 पर शेयर ऑन 60,37,500 कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर CRPS ऑफ ₹100 ईच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर हैज फिक्स्ड 16 नवंबर 2018 एज द रिकॉर्ड डेट टू द डिटरमाइन द नेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एलिजिबल फॉर इंटरिम डिविडेंड ऑन द CRPS। ठीक है, जो प्रेफरेंशियल जिन लोगों को प्रेफरेंशियली अलॉट होते हैं उन लोगों के लिए जो है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, सबके लिए नहीं है, नॉर्मल पब्लिक के लिए, बट जिनके लिए जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं उनको ₹3.25 का डिविडेंड मिलने वाला है इस काउंटर के अंदर। इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड विद इन द 30 days from the date of the declaration to those preference shareholders whose name shall appear in the company's register of preference shareholders on the as on 16 November 2018। 16 November 2018 की डेट तक जिन लोगों के भी नाम एज ए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के तरह होंगे कंपनी के रजिस्टर में उन सभी को ₹3.25 का डिविडेंड मिलेगा। सभी को नहीं मिलेगा ये याद रखिएगा, केवल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो हैं केवल उन्हीं को ये डिविडेंड मिलने वाला है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये नंबर्स हैं, 1137 करोड़ का रिवेन्यू है जो कि पिछले 575 करोड़ के ही आसपास था। टोटल अगर आप PBT की बात करते हैं तो जहाँ पिछले 40.46 करोड़ का PBT था आपके पास 61.08 करोड़ का था PBT, हालांकि जून में 70.14 करोड़ का था, उस तो कुछ डिक्लाइन हुआ है, बट बात की जाती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्योंकि हर क्वार्टर की अपनी अलग डिमांड होती है। तो सितंबर क्वार्टर की जो डिमांड थी लास्ट ईयर उसके मुकाबले अगर हम देखेंगे तो करंट ईयर में सितंबर क्वार्टर में डिमांड बढ़ी, सेल्स बढ़ी और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए। ओके, इसके अलावा अगर आप एनुअल नंबर्स की बात करते हैं, मार्च 18 की नंबर की बात करते हैं, तो लगभग 203 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया था, PBT डिक्लेयर किया था, और अभी तक 6 महीने में कंपनी 131 करोड़ का PBT डिक्लेयर कर चुकी है ऑलरेडी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 18 में कंपनी ने 155 करोड़ यानी 155 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, वहीं अब तक 6 मंथ्स में कंपनी का जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्सेस वो 84 करोड़ 12 लाख का पहुंच चुका है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए आप काउंटर को होल्ड कर सकते हैं। पिछली बार 0.2 का बेसिक EPS था सितंबर में, आपकी बार 0.33 का बेसिक EPS है। जून क्वार्टर के मुकाबले अगर देखेंगे तो स्लाइटली थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बट
ओवरऑल हम लोग अगर एनुअल नंबर्स पे देखेंगे, सितंबर क्वार्टर का कंपेयर करेंगे, सो काफ़ी बेहतर हुआ है अर्निंग्स पर शेयर। सो ओवरऑल ये काउंटर के बारे में था। अगर आपकी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ एसेट क्वालिटी को भी देख लेते हैं। सेगमेंट एसेट्स लगभग है टोटल 2826 एंड 2300। सो एसेट क्वालिटीज़ भी कंपनी की इंप्रूव हुई हैं, जहाँ पर पिछली बार जो सेगमेंट एसेट्स थे वो 2300 करोड़ के आसपास थे, वो अब की बार 2826 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। सो ओवरऑल अगर आप टोटल अगर आप देखेंगे तो 2545 करोड़ के आसपास के टोटल मार्च 18 में इन्होंने एसेट्स डिक्लेयर किए थे सेगमेंटल एसेट्स, जिसमें कि आपके टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हो गए, ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विसेज हो गए, अनअलोकेटेड हो गए। और अब की बार जो क्वार्टर है उसमें अकेले ही क्वार्टर में 2826 करोड़ के जो है वो इन्होंने एसेट डिक्लेयर किए हुए जो कि सेगमेंटल एसेट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। बाकी इसके अलावा अगर टोटल एसेट्स की बात करेंगे आप, करंट एसेट्स एंड जिसमें कि नॉन करंट एसेट्स वगैरह आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अदर इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स हो गए आपके, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गए, या करंट एसेट्स की बात होती है तो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं आपके, इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, बैंक बैलेंसेस वगैरह हो जाते हैं इसमें, लोन्स हो गए, अदर एडवांसेस हो जाते हैं, वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप टोटल एसेट्स को देखेंगे तो जहाँ पर लास्ट ईयर जो टोटल एसेट था वो तकरीबन मार्च 18 में एज़ कम्पेयर टू मार्च 18 में अगर हम बात करेंगे जो नंबर्स आए थे उसमें 2545 करोड़ का आसपास का टोटल कंपनी का एसेट था, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के आप देख सकते हैं 2826 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है, इम्प्रूव्ड हुई है, और ये एक अच्छी बात है कंपनी के साथ, ठीक है। इसके अलावा आप इस शीट को चाहें तो आप यू नो BSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको HFCL के नंबर्स जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं HFCL में बेसिकली जो चार्ट है वो क्या है। देखिए चार्ट कंपनी का जो HFCL का 21 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है काउंटर, और यहाँ से जो काउंटर का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो लगभग 22 रुपीज़ 35 पैसा आप मान सकते हैं, यानी कि 22 रुपीज़ 35 पैसा या 22 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर एक बार क्लोजिंग जाएगी काउंटर की, तो लगभग फिर उसके बाद ये काउंटर 23 रुपये 50 पैसे वापस जाएगा 24 रुपये का। और उसके बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे अगर लंबा थोड़ा सा टारगेट रखेंगे आप, कुछ होल्डिंग पीरियड अगर आपका 3 से 4 महीने का रहेगा, तो मुझे लगता है 27 रुपीज़ तक भी आपको प्राइस देखने को मिल सकता है, बट उससे पहले काउंटर को 22 रुपये 50 पैसे का लेवल तोड़ना पड़ेगा। एक बार काउंटर 22 रुपये 50 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि 27-28 का रेट आपको HFCL के अंदर देखने को मिल सकता है, बिकॉज द नंबर्स आर टू गुड। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन भी हो सकता है, प्रॉब्ली चांसेस हैं, बट एक बार 22 रुपये 50 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग आ गए तो डेफिनेटली आपको 27 से 28 के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म का काउंटर है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं देन डेफिनेटली आप इसको बाय कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में किसी भी बहुत ही बड़े चमत्कार की गुंजाइश फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो काउंटर है काउंटर में जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर काउंटर अपनी नई चाल खेलेगा वो है वीकली लगभग 24 रुपीज़ 70 पैसे का। 24 रुपीज़ 70 या 24 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर की वीकली क्लोजिंग आ जाने के बाद जो काउंटर होगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके बाद काउंटर एक नई रेंज में एंटर कर लेगा, और उस रेंज वो जो रेंज रहेगी आपकी वो रहेगी 24 रुपीज़ से लेकर 34.50 के बीच की। यानी कि एक बार 24.70 के ऊपर क्रॉस हो गया देन जो सेकंड रेंज आ जाएगी नेक्स्ट रेंज में एंटर कर जाएगा 24.50 से लेकर 34.30 की रेंज में, और फिर उस रेंज में वो स्टॉक अगले कुछ टाइम के लिए ट्रेड करता रहेगा। ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, आप इस काउंटर को खरीद सकते हैं। SIP मेंटेन कीजिए इस काउंटर में, हर महीने 150 शेयर्स आप खरीदते रहिए, अगले 2 साल के लिए खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा इस काउंटर में निवेश आपका कितना बढ़ चुका होगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली लोग काम करते हैं, टेलीकॉम में, ये सेक्टर्स आगे आने वाले टाइम में ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप 3 से 5 साल का होराइजन अगर इन काउंटर्स में रखेंगे, छोटे छोटे काउंटर्स हैं ये, 20 रुपये 22 रुपये का काउंटर है ये, अगर आप अगले 3 से 5 साल के लिए इसको खरीद के डाल सकते हैं डेफिनेटली आपको 150+ के लेवल्स HFCL के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों ये हमने बात की HFCL के बारे में, हमने आपको बताया HFCL का क्या जो भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर है।
अब चलते चलते हम लोग आपको निफ्टी के चार्ट्स के बारे में बता देते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट में जैसा मैंने आपको बोला था 9950 इज द बिग रेजिस्टेंस, बिग सपोर्ट लेवल ऑफ द निफ्टी। जब तक निफ्टी उसको होल्ड कर रहा है सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। अपसाइड में अगर हम देखता हूँ आने वाले टाइम में, तो निफ्टी का जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 10479, यानी कि 10479 रुपये या 10480 रुपये का इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार उस रेजिस्टेंस को निफ्टी क्रॉस करेगा देन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो तकरीबन यहाँ से हम मानेंगे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है वो रहेगा तकरीबन एक छोटा रेजिस्टेंस होगा, हालांकि वो लगभग 10830 का। तो एक बार काउंटर ने 10480 रुपये का लेवल क्रॉस किया निफ्टी ने 10480 का लेवल क्रॉस किया देन उसके बाद निफ्टी 10850 के लिए डेफिनेटली ट्रेड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बट किसी भी तरह से आप लोग इस वक्त बल्क में बाइंग मत कीजिए, छोटी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। अच्छे काउंटर्स को आइडेंटिफाई किए जो कि ऑलमोस्ट अपनी हायर पीक से 40-50% तक करेक्ट हो चुके हैं, उनमें निवेश को प्रारंभ कर दीजिए। अगले 6 महीने मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर सकता है। जून या जुलाई जब भी आप नई सरकार का गठन होगा उस वक्त किस तरह की सरकार आती है उसके बाद ही सेंटिमेंट्स हमें एक्चुअल पता चलेंगे कि मार्केट के किस तरह के सेंटिमेंट हैं। सो दोस्तों ये HFCL और निफ्टी के बारे में हमने आपको अपनी राय दी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी एनालिसिस करेंगे, अपनी जो भी आप नॉलेज है उसको पूरा एनहांस करेंगे और उसके बाद ही प्रॉपर एनालिसिस के बाद आप किसी भी काउंटर में किसी भी इंडेक्स में या किसी भी अदर स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग पोजिशंस को बनाएंगे पूरी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही, क्योंकि अगर आपने एनालाइज नहीं किया देन आप गलत लेवल पर एंट्री ले सकते हैं और वहाँ पर आपको नुकसान हो सकते हैं। सो दोस्तों बस इतनी ही सलाह थी, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ और नए काउंटर के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार दोस्तों।